न्यूट्री बनाने के वैसे तो दोस्तों बहुत तरीके हैं, लेकिन जो ये वाला तरीका है ना दोस्तों, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये आपने नहीं देखा होगा। है वही चीजें, लेकिन डालने की जो टेक्निक है ना, उससे न्यूट्री का स्वाद ही एकदम अलग आता है। आप इसको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, तो फटाफट सबसे पहले हम अपनी न्यूट्री को थोड़ा सा ट्रीट कर लेते हैं। सोया वड़ी में वैसे अपना कोई टेस्ट नहीं होता, तो टेस्ट हम देंगे उसको। आप यहाँ पर पानी उबलने के लिए रखना और गरम गरम पानी में सबसे पहले नमक डालना, थोड़ा सा विनेगर डालना। खटास जो है वो बहुत बढ़िया बैलेंस देगी न्यूट्री को, और नमक तो बहुत जरूरी है ही। और न्यूट्री को आप थोड़ा सा बॉईल करना, यहाँ पर सोया वड़ी का फ्लेवर एनहांस करने के लिए और ग्रेवी का फ्लेवर भी एनहांस करने के लिए आप न्यूट्री के साथ साथ मिर्चे डाल देना। मैंने अलग अलग तरीके की मिर्चे डाली है। यहाँ पर ये स्पाइसी वाली मिर्च है 4, और 4 कश्मीरी लाल मिर्च है रंग वाली। इससे न्यूट्री के अंदर अलग फ्लेवर आएगा सच में दोस्तों। अच्छे से 10 मिनट तक आप न्यूट्री को बॉईल करना, जब तक इसके छोटे छोटे जो छेद है वो बड़े नहीं हो जाते ना, तब तक आप इनको पकाना। सोया वड़ी डबल हो जानी चाहिए अपने साइज में, इस लेवल तक आपने पकाना है। और बस जब वो स्टेज आ जाए तो इसका सारा पानी आप स्ट्रेन कर लेना। मिर्चों को आप अलग कर देना, इनको हम बाद में यूज करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे। फिलहाल सीधा ही कुकिंग पर चलते हैं। दोस्तों, जब भी कोई ऐसी चीज बना रहे हो, सोया न्यूट्री, सोया चाप, ये ऐसी होती है कि इनके अंदर फैट बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत ही रूखी होती है ये। तो इनको सही से ट्रीट करना बहुत जरूरी है, तभी इनके अंदर सही से टेस्ट आता है, नहीं तो वो बात ही नहीं आएगी, वो टेस्ट ही नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लगन ली है, और लगन में लगभग आधा कप तेल डाला है। थोड़ा आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन सच में दोस्तों ये क्वांटिटी बहुत जरूरी है सही से कुकिंग करने के लिए और वो फ्लेवर लाने के लिए। इस गरम गरम तेल में मैंने यहाँ पर प्याज के लच्छे डाले हैं, और उनको अच्छे से आपको ब्राउन करना है, यानी कि आपको ब्राउन अनियन बनाना है। हाँ, बड़े लच्छे बनाते वक्त यानी कि काटते वक्त इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओहो, मैंने आपको बताई नहीं, आप प्याज को ऐसे छिलना, उसके रूट जरूर निकाल देना, उसको ऐसे स्लाइसेस में कर देना, लेकिन ये स्टेप आप जरूर करना कि आप सारे लच्छों को अच्छे से उनका कचूम्बर जरूर बना देना। ये लच्छे खोलने बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब आप भून रहे होंगे इन प्याज को, अगर ये प्याज बंद होंगे तो इवनली कभी नहीं पक पाएंगे। तेल जो है वो पूरी तरीके से प्याज को कोट करना चाहिए, और तभी उसकी जो चीनी है वो पक पाएगी और वो ब्राउन अनियन वाला टेस्ट आएगा जो मायाड रिएक्शन से आता है। यहाँ पर आप हाई फ्लेम पर भूनते रहना प्याज को, जब तक कि इनमें बढ़िया कलर नहीं आता, और अपनी करछी को चलाते रहना। जैसे ही कलर आ जाए फटाफट से आप ट्रांसफर कर देना इनको टिश्यू पेपर के ऊपर, नहीं तो ज्यादा ब्राउन हो जाएंगे और इनफैक्ट काले भी हो सकते हैं, तो अभी ग्रेवी कड़वी बनेगी, मीठी नहीं बनेगी। इस स्टेज तक मैंने पकाया है दोस्तों, और जैसे ही ये ठंडे हो जाते हैं ना, इनकी चीनी क्रिस्टलाइज हो जाती है, और ब्राउन अनियंस का जो टेस्ट आता है ना दोस्तों, वो सही में ग्रेवी का टेस्ट ही बिल्कुल अलग कर देता है, बहुत ही यूनिक फ्लेवर आता है। तो इनको सही से ठंडा करना बहुत जरूरी है, जो प्याज है वो क्रिस्प हो जाने चाहिए, कड़क हो जाने चाहिए, तभी वो टेस्ट आएगा। तो ग्रेवी में मैंने यहाँ पर 3 टमाटर डाले हैं, अदरक डाली है, लहसुन डाली है, और वो जो मिर्चे थी ना जो आपने सोया के साथ बॉइल करी थी, वो आप इन टमाटरों के साथ ही पीस देना मिक्सी में। एकदम बढ़िया कलर आएगा, और क्या खुशबू, क्या टेस्ट आएगा, थोड़ी स्पाइसी सी चटपटी सी ग्रेवी होगी, बहुत अच्छी लगेगी। रही बात सोया वड़ी की, तो मैंने मिर्चे तो अलग कर दी थी, लेकिन सोया वड़ी में ना अभी पानी बहुत है, अगर हम ये पानी निकालेंगे नहीं ना, तो फिर क्या होगा कि सोया वड़ी आपकी ग्रेवी का फ्लेवर भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो इन वड़ियों से आप थोड़ा सा ऐसे निचोड़ कर पानी निकाल देना, थोड़ा सा पानी, सारा मत निकाल देना, थोड़ा सा ही निकालना, इससे आपकी ग्रेवी का फ्लेवर भी एब्जॉर्ब करेगी और अंदर तक टेस्ट आएगा। और अगर मैं आपको वड़ी खोल कर दिखाऊं ना, तो आप देखो कितनी सॉफ्ट हो चुकी है और क्या बढ़िया टेक्सचर आया है इसमें। हाँ, लेकिन ये रूखी होती है, तो इस बात का ध्यान देना कि ग्रेवी का आपका काफी तेल और पानी दोनों पी जाएगी है। सीधा ही फटाफट लगन पर चलते हैं। मैंने उसी तेल में यहाँ पर थोड़े से खड़े गरम मसाले डाले हैं, स्क्रीन पर मैंने लिख दिए हैं, और सीधा ही मिक्सी से मैंने वो जो टमाटर वाला पेस्ट था ना उसको डाल दिया है। बिल्कुल एक चम्मच भी मत छोड़ना, पानी डालकर सारा पेस्ट निकाल देना। और आपको तो पता ही है कि टमाटर जैसे ही आएंगे तो वैसे ही हमने नमक डालना है। नमक के साथ ही मैंने यहाँ पर हल्दी भी डाल दी है थोड़ी सी, और साथ साथ एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। लाल मिर्च मत डाल देना, ऑलरेडी स्पाइसी वाली और कश्मीरी वाली तो हम डाल ही चुके हैं ना। अब आपने बस भुनाई करनी है इस ग्रेवी की,
तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये पेस्ट है तो आप इसको ढक कर ही भूनना। अगर आप इसको खुले में भूनोगे तो ये इतना उछलेगा कि आपके ऊपर गरम गरम आ जाएगा। तो ध्यान देना दोस्तों इस बात का, ढक कर इसको 2-3 मिनट पकाना मीडियम लो फ्लेम पर, बीच में एक बार चला देना और ढककर थोड़ा सा और पकाना, जब तक कि ये दानेदार नहीं हो जाता और इसका सारा तेल अलग नहीं हो जाता। ये देखो आप, तेल एकदम अलग है, एकदम दानेदार हो चुकी है ग्रेवी। बिल्कुल इस स्टेज तक आपको पकाना है, और मैं आपको सच बोलूं, टमाटर बहुत जल्दी पक जाते हैं ढककर, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें आप सोया वड़ी डालना और फिर देखना जादू क्या होता है। सोया वड़ी ये सारा जो फ्लेवर है उसको एब्जॉर्ब कर जाएगी। अब देखो तेल बिल्कुल गायब हो जाएगा यहाँ से, है ना, मैंने आपको बोला था ना बहुत रूखी होती है, तो उसमें फ्लेवर या जान डालना बहुत जरूरी है और तभी वो टेस्टी बनती है। इसमें अब आपने यहाँ पर एक पेस्ट डालना है, और ये कौन सा पेस्ट है, ये पेस्ट है दोस्तों दही का। थोड़ी सी मैंने दही ली है, लगभग 3-4 टेबल स्पून। उसमें मैंने एक चम्मच डाला है गरम मसाला और एक बड़ा चम्मच डाला है बूस्टर मसाला। अब ये जो बूस्टर मसाला है ये जनरली दोस्तों कॉमन ही होता है, आप चाहो तो आप यहाँ पर किचन किंग यूज कर सकते हो, चिकन मसाला यूज कर सकते हो, शाही पनीर मसाला यूज कर सकते हो, मीट मसाला यूज कर सकते हो, जो आपको पसंद है आप उसका इस्तेमाल करना, आपको टेस्ट बहुत बढ़िया मिलेगा अपने टेस्ट पैलेट के हिसाब से। मैंने यहाँ पर इस रेसिपी में किचन किंग मसाला डाला है 1 टेबल स्पून। इसमें ही आप यहाँ पर ब्राउन अनियंस डाल देना और इसका अच्छे से एकदम फाइन पेस्ट बना देना, और ये पेस्ट आपने डालना है अपनी सोया के साथ, और इसको भी बिल्कुल एक बूंद मत छोड़ना, पानी डालकर सारा निकाल देना, क्योंकि अभी रेसिपी में हमें पानी भी डालना है, तो इसी टाइम पर आप डाल देना और अच्छे से सारी चीजों को मिलाना और ढक कर आप इनको 5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर पकने देना। इस स्टेज पर आते आते आपकी दही भी पक जाएगी, प्याज तो ऑलरेडी पके हुए हैं, और जो मसाला है वो न्यूट्री के साथ अच्छे से रच जाएगा। लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है दोस्तों इस रेसिपी में, यहाँ पर खुशबुएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस रेसिपी में जो खुशबू आती है ना वो ही सबको इन्वाइट करती है खाना खाने के लिए। अब जब आप ढक्कन खोलोगे तो आप देखना कि तेल भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा और ग्रेवी भी अच्छे से पक जाएगी। तो एंड में आप यहाँ पर डालना थोड़ी सी जावित्री कूट कर, जायफल डालना थोड़ा सा घिस कर, हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर डाली है और थोड़ा सा धनिया, और एंड में डाला है केवड़ा वाटर। दोस्तों केवड़ा जो है ना सोया वड़ी का टेस्ट ही बदल देता है, सच में सीरियसली आप ट्राई करके देखना, बहुत पसंद आएगा आपको। ये सारी चीजों को मिलाना, ढक्कन लगाना आप और गैस को बंद कर देना। केवड़ा डालकर यहाँ पर ज्यादा कुकिंग मत करना, क्योंकि हम यहाँ पर खुशबुओं पे काम कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर ज्यादा कुक कर देंगे तो खुशबू खत्म हो जाएगी, और फिर 5 मिनट बाद जब आप ढक्कन खोलोगे ना तो सारी चीजें अच्छे से रच जाएंगी, और जो फ्लेवर निकल कर आएगा ना, ओए होए होए होए, सच में न्यूट्री अगर होल व्हीट यानी कि गेहूं के आटे की रुमाली रोटी के साथ मिल जाए ना तो सच में मजा ही आ जाए। आप ये न्यूट्री बना कर देखना, इतनी सॉफ्ट होगी और इसके अंदर आप देखो पूरा फ्लेवर भर रखा है, सच में दोस्तों आपका दिल खुश हो जाएगा। ये वाली न्यूट्री ऐसी है जो आपने सच में नहीं खाई होगी और बहुत ही अमेजिंग बनेगी। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसी न्यूट्री खानी है जो कि बहुत ही फेमस है अमृतसर की, तो उसकी रेसिपी के लिए आप ये वाली वीडियो देखना, बिल्कुल अमृतसरी स्टाइल न्यूट्री आप अपने घर पर बना पाओगे और आपको बहुत पसंद आएगी।